आज गंगा यात्रा बलिया से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रवाना कर रही है और बिजनौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा यात्रा को रवाना कर रही है। बलिया से चलकर गंगा यात्रा आज शाम को गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। जनपद के कलेक्टर घाट पर आज शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री महामंत्र पांडेय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। गंगा आरती से पहले लंका मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। आज रात गंगा यात्रा गाजीपुर में रुकने के पश्चात कल 28 जनवरी को आगे के लिए रवाना होगी। गंगा यात्रा के रवाना होने से पूर्व कलेक्ट्रेट घाट पर ही होगा गंगा पूजन का किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं रंगोली बनाने के लिए। अरे गंगा निर्मलता एवं शुद्धता के लिए हम लोग को स्कूल से भेजा गया था यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दिए की रंगोली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने बनाए हैं रंगोली, अभी और बनानी है। तो क्या लगता है अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि सिर्फ दिए बार बार जला लेने से गंगा साफ हो जाएगी, या क्या कुछ कहोगे लोगों से? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि गंगा को साफ करना और उसकी शुद्धता हम लोग का मानवीय कर्तव्य है। ये हम लोग के मौलिक अधिकार में दिया गया है कि गंगा, हम हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र माना जाता है, तो उसकी शुद्धता और पवित्रता हमारा अधिकार है। कैसे उसको शुद्ध कैसे हम रख सकते हैं, क्या बतलाओगी लोगों को? जैसे हम लोग को मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए गंगा जी में जी। और फूल माला नहीं फेंकना चाहिए। मृत पशु हो, मृत जीव जंतु हो, पशु हो, मानव को इसमें क्या बोलते हैं प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दो जगहों से गंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, एक बलिया से बनारस गाजीपुर बनारस होते हुए प्रयागराज होते हुए कानपुर बैराज जाएगा, और दूसरी यात्रा बिजनौर से चल के कानपुर बैराज को जाएगी, जो 31 तारीख को वहाँ समागम समापन होगा। गंगा यात्रा का उद्देश्य अविरल गंगा निर्मल गंगा है। मोदी जी और योगी जी पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि गंगा जी को शुद्ध किया जाए, गंगा का पानी साफ रहे और गंगा जी के अगल बगल के गाँव की सफाई, शहरों की सफाई अच्छे ढंग से है, ताकि इस देश में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अविरल गंगा निर्मल गंगा, गंगा माँ हमारी माता है, इस स्वरूप लोग उसका अनुसरण कर। इस ये बनाया हमारे तरफ से नहीं गया है, जो हमारे यहाँ एक हफ्ते से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसके पहले जो दिवाली के कार्यक्रम में ये लगता बना हुआ है, निश्चित रूप से इसको हटाया जाएगा। भारत माता के ऊपर कोई पैर से चले ये उचित बात नहीं है, निश्चित रूप से उसको ठीक किया जाएगा। नगर पालिका जो यहाँ काम कराई है उसमें उस रंगोली हमारे जनपद में आ रही है, कुल 14 स्थानों पर हमारे जनपद में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। दो स्थानों पे एक बड़ी जनसभा की जाएगी, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं कलेक्टर घाट पे, यहाँ आज शाम को एक भव्य गंगा आरती होगी और कल प्रातः यहाँ पे गंगा पूजन का कार्यक्रम होगा। तो कुल इस तरह का जो है कार्यक्रम बनाया गया। ऐसे में सर आज जो है जनसभा भी होनी है, गंगा आरती भी होनी है, उसको लेकर क्या किस किन VIPs के आने की अभी तक सूचना है? देखिए, इसमें कई हमारे माननीय मंत्रीगण होंगे, 5 और 6 माननीय मंत्रियों का हमारे पास अभी तक प्रोग्राम आ गया है। इसके साथ गंगा यात्रा में जो दल है वो आ रहा है और बड़ी संख्या में गाजीपुर के लोग, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो इसमें सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या सर उसमें कोई केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं या राज्य के ही मंत्री लोग रहेंगे? इसमें केंद्रीय मंत्रीगण भी हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।